नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ क्विक फिक्स प्रो आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हमारा जो क्लस्टर मीटर पर कुछ लाइट्स आती हैं और नॉर्मली हम उनको अनदेखा कर देते हैं या फिर हम क्या करते हैं कि उनको देख के हो जाते परेशान अब ये वाली एक लाइट आ गई अब एक ये लाइट आ गई राइट तो ये वाली लाइट जो है अपनी नॉर्मली हम इसको समझ लेते हैं एक्सीटर पैडल की लाइट ठीक है और ये देख रहे हैं अभी एक बैटरी की भी लाइट आ गई तो ये तीन चार लाइटें एकदम से मेरे पूरे क्लस्टर मीटर पे आ गई और इतना आपका हो जाएगा ना गाड़ी में आप रियल में परेशान हो जाएगी आप सुन सकते हैं ध्यान से यहां पे बीप की भी साउंड आ रही है तो सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अगर ये सब आपकी गाड़ी में हो रहा है अभी लॉकडाउन पड़ा है लॉकडाउन के बाद में हो सकता है ये सारी लाइटें आपके क्लस्टर में आए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है इन लाइटों का ये तीनों अगर आ रही हैं सबसे बड़ा कारण होता है आपकी बैटरी अगर आपकी बैटरी जो है सही से चार्ज नहीं है तब ये लाइटें आपकी सारी आ जाएंगी क्यों क्योंकि ये भी सेंसर की लाइट है ये भी सेंसर की ही लाइट समझ लो आप इनको और ये बैटरी की लाइट है अगर ये भी साथ में आ रही है तो मतलब 100 परसेंट आपका बैटरी का इश्यू है जैसे ही आप बैटरी नहीं लगाएंगे या फिर चार्ज करके बैटरी को दोबारा लगाएंगे तो ये लाइट आपकी चली जाएगी तो आपको परेशान नहीं होना इस गाड़ी में नॉर्मली होता यह है कि हम इस लाइट को समझ लेते हैं एक्सलेटर पैडल की लाइट 90 परसेंट लोग ये गलती करते हैं उनको ये लगता है क्योंकि क्विड के बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं बहुत सारे बहम हैं तो 90 परसेंट लोग जो हैं वो ये समझ लेते हैं कि ये वाली लाइट आती है मेरी सिर्फ और सिर्फ एक्सीटर पैडल की लाइट से तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये वाली जो लाइट है ना आपकी एक्सीटर पैडल की लाइट नहीं होती है ये है माल फंक्शन लाइट इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन अगर आप सही तरीके से बोलें मतलब आपकी गाड़ी में कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया है कोई चूहे ने तार काट दी है या फिर कोई जो मेन फ्यूज़ है आपका जो मेन फंक्शन है गाड़ी के उसमें से कोई फ्यूज़ वगैरह चला गया है या फिर कोई मेन मेरा कहने का मतलब है जैसे फ्यूल पंप हो गया आपका टूल पंप की रिले हो गई या फिर आपकी जो जितने भी ई है अगर ई में कुछ खराबी आ जाती है तब हो जाता है एक्से कोई सेंसर वगैरह है अगर उस वो कट गया है मतलब वो खराब हो गया है तब भी ये लाइट आ सकती है तो आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे इसके बारे में एक बार मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम इस लाइट के बारे में ये है आपकी कूलिंग टेम्परेचर सेंसर और इंजन ऑयल का जो प्रेशर होता है उसको सेंस करने की लाइट रहती है तो सबसे पहले आपको गाड़ी में करना क्या है मान लो कि यहाँ पे आपकी लाइट आ जाती है तो दो कारणों से आएगी या तो आपका जो कूलेंट जो है उसका टेम्परेचर जो है वो, वो एकदम बढ़ गया आपकी गाड़ी ओवर हो रही है तो फर्स्ट रीजन तो वो रहेगा तो अगर तो आपकी गाड़ी ओवर हो रही है तो सबसे बड़ी हम गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि तुरंत गाड़ी बंद कर देते हैं तो तुरंत गाड़ी बंद नहीं करनी है जब भी ये लाइट आए आप गाड़ी को रोकिए साइड में अच्छा उसके बाद में उसको एक दो मिनट के लिए आइडलिंग पे छोड़ दीजिए मतलब स्टार्ट रहने दीजिए एकदम न्यूट्रल पे पार्किंग पे जैसे हम लोग करते हैं ना आइडलिंग पे उसको छोड़ दो आइडलिंग पे होता यह है गाड़ी अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे वापस आने की कोशिश करती है तो पहले तो आइडलिंग पे छोड़ के उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दो उसके बाद में उसको ठंडा होने दो ठंडा होने के बाद में आप चेक करिए कि आपका गाड़ी में कूलेंट है या नहीं कूलेंट का लेवल सही है या नहीं है अगर तो लेवल कम है तो उसको भरिए मतलब वहां पे अगर आपके पास में रेडिली कूलेंट अवेलेबल नहीं है तो वहां पे पानी डाल दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है पानी डालने के बाद में आप ये कर सकते हैं कि नजदीक की दुकान से कहीं अगर कूलेंट मिल रहा है तो कूलेंट खरीद के उसमें मिक्स करके डाल सकते हैं पर सबसे बड़ी बात यह रहती है कि आपको फाइंड आउट करना है कि वो कूलेंट लॉस क्यों हो रहा है क्या आपकी गलती की वजह से क्या आपने कूलेंट सही से नहीं डाला था उसमें एयर ब्लीडिंग अच्छे से नहीं करी थी कहीं सिस्टम में एयर तो नहीं रह गई थी अगर एयर रह गई है तो एयर आपको ब्लीड करनी है वो ऑलरेडी मैं आपको कूलेंट वाली जो वीडियो है उसमें सिखा चुका हूं तो पहला कारण तो ये हो गया कि सिस्टम में एयर रह जाती है इसके कारण वहां पर लाइट आती है दूसरा कारण ये होता है कि आपने गलती से कूलेंट ही कम डाला है तीसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है लीकेज का मान लो आपकी कोई हॉर्स पाइप है वो टाइमिंग जो है वो कट गई है या फिर वहाँ से जो है वो उसमें थोड़ा छेद हो गया है वहाँ से कूलेंट लॉस हो रहा है या फिर जो कोई क्लैंप है क्लैंप आपने सही से, से टाइट नहीं किया है चढ़ाते वक्त जिस वक्त कूलेंट डाल रहे थे तो क्लैंप के पास में से आपका कूलेंट लीक कर रहा है हल्की सी भी एयर रह जाएगी सिस्टम में तो वहाँ से कूलेंट जो है लीक करना शुरू कर देगा रीज़न उसका यह है आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो बहुत ही हाई प्रेशर पे काम करता है बहुत हाई प्रेशर पे। और जो गैसेज होती हैं जो कूलेंट होता है ना उसको थोड़ी सी भी जगह मिलेगी वो प्रेशर एकदम बना के वहां से फाड़ के भागने की कोशिश करेगा तो एक कारण तो ये हो गया दूसरा कारण यह होता है कि आपकी हेड गास्केट जो है वो कट चुकी है ओवर का सबसे बड़ा रीजन यही होता है और उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा तो ओवर अगर आपकी गाड़ी हो रही है हेड गास्केट कटने की वजह से उसका भी तरीका आपको मैं बता चुका हूं तो ये तो हो गए इसके कूलेंट वाले रीजन जो है उसके बाद में बात करते हैं ऑयल प्रेशर की लाइट पे तो ऑयल प्रेशर की जो लाइट है वो आती है आपको क्या करना है सबसे पहले तो आपका इंजन ऑयल लेवल चेक करना है कि इंजन ऑयल मेरा लेवल सही है या नहीं अगर तो कम है तो उसको टॉप अप करना है उसकी वजह से भी लाइट आती है क्योंकि इंजन ऑयल कम रहेगा तो वो प्रेशर तो बिल्ड होगा ही नहीं अपने आप में दूसरा कारण उसका आने का ये होता है कि आपका जो सेंसर है जो स्विच है जो मतलब ऑयल प्रेशर का जो सेंसर है वो फॉल्टी है पर उसके फॉल्टी होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं उसको क्या है वहां पे डेब्रिज जमा होने की वजह से सही से अर्थिंग नहीं मिल पाती है आप देखेंगे उसमें एक ही तार है दूसरा जो मतलब वो जो तार है ना वो पॉजिटिव की है बाकी जो अर्थिंग लेता है वो प्रेशर स्विच वो लेता है आपके इंजन ब्लॉक से जी हाँ इंजन ब्लॉक में आपकी अर्थिंग रहती है मतलब नेगेटिव कनेक्शन वहां पे रहता है तो वहीं से अर्थिंग लेता है और आपके जो स्पार्क प्लग होते हैं उनके बारे में भी मैं समझाऊंगा स्पार्क प्लग भी अर्थिंग आपके इंजन ब्लॉक से लेते हैं तो एक तो कारण ये हो सकता है कि उसकी अर्थ मिसिंग हो चुकी है मतलब वहां पे उसको अच्छे से ग्राउंड कनेक्शन नहीं मिल रहा है तो आपको स्विच निकालना है हालांकि बहुत मुश्किल है हमारी गाड़ी में निकालना पर उसको भी खैर देखते हैं अभी आगे कुछ वीडियोस अगर बन बना पाता हूँ मैं तो उसको खोलने की भी मैं बनाऊँगा तो आपको अर्थिंग का जो स्विच है मतलब अर्थिंग उसकी साफ़ करनी है ग्राउंड कनेक्शन उसको अच्छे से देना है उसके बाद में मान लो अगर फिर भी आपका मामला सेट नहीं होता है फिर आपको क्या करना है आपका जो ऑयल चैम्बर है ये थोड़ा बड़ा काम है ऑयल चैम्बर खोल के वहां पे एक जाली लगी रहती है मतलब लंबी सी पाइप लगी रहेगी वो लंबी सी पाइप में ही कचरा फंसा रहता है उस कचरे फंसे होने की वजह से भी आपका ऑयल प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाता है क्योंकि ऑयल सही से जा नहीं पाएगा वहां पे तो वो बहुत बड़ा कारण होता है और 90 परसेंट गाड़ियाँ जिनमें ऑयल प्रेशर की जो लाइट आती है होगा क्या आप थोड़ी सी रेस देंगे ना तो वो चली जाएगी और हल्की सी छोड़ देंगे मतलब आईडी पे छोड़ देंगे तो वापस आ जाएगी मतलब वो एकदम ब्लिंक करना शुरू कर देती है वो हल्के हल्के ऐसे जैसे जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी ना ऐसे ऐसे ब्लिंक करना शुरू कर देगी वो तो वो तो नब्बे चांस होता है उस जाली का तो परेशान नहीं होना है आपको स्टेप बाय स्टेप रेक्टिफाई करना है मान लो ये सारी चीजें फेल हो जाती हैं उसके बाद में डाउट जाता है आपके ऑयल पंप फेलियर का तो ऑयल पंप जो है वो इस गाड़ी में थोड़ा सा निकालना जो है टफ है पर कोई दिक्कत नहीं है पर आपको पहले ये स्टेप कर लेने हैं स्टेप ये सारे स्टेप करने के बाद में फिर आपको कन्फर्म करना है कि मेरा ऑयल पंप गया है या फिर जो मेरा ऑयल प्रेशर स्विच है वो खराब है तो आशा करता हूं ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छी अच्छी वीडियो में बनाता रहूंगा इन सारी चीजों के बारे में जितना भी आपके बहम है उनको क्लियर करता रहूंगा मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत